फ्रेंड्स, आप सबका आपके यूट्यूब में फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा करते हैं निर्देशांक ज्योमिति की बात। इससे पहले हमने पढ़ा था निर्देशांक ज्योमिति में कि बिंदु को किस प्रकार से पढ़ा जाए और किस प्रकार से बिंदु को आलेखित किया जाए या बिंदु को किस प्रकार से ड्रा किया जाए ग्राफ पेपर के ऊपर। आज हम पढ़ते हैं दूरी सूत्र के बारे में। इसी दूरी सूत्र यानी दो बिंदु दे रखे होते हैं, उनके बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी होती है। हम किस प्रकार से दूरी ज्ञात करते हैं उसी के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए साथियों, अपने पास क्या, जैसे ये आपकी दो रेखाएं हैं, लंबवत है एक्स और एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ठीक है ना। इस पे अगर इस प्रकार से रेखा खींची हुई है और दो बिंदु हो गए आपके पास, जैसे ये एक बिंदु यहाँ पे है और दूसरा आपका ऊपर की तरफ है यहाँ पे, इसको P देते हैं, इसको Q देते हैं। अगर हम इस बिंदु के बीच के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि ये मूल बिंदु से चार इकाई दूर है। उसी प्रकार से अगर ये है आपका मूल बिंदु या जहाँ पे रेखाएं मिलती हैं उसको हम मूल बिंदु के नाम से जानते हैं और इसके निर्देशांक हमेशा जीरो जीरो ही होते हैं, ठीक है साथियों। और अगर इसकी बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं या कह सकते हैं कि इस P और Q के बीच की दूरी है जो मूल बिंदु से x अक्ष पर 3 है। लेकिन अगर इस प्रकार से है बिंदु, एक बिंदु P है दूसरा Q इस प्रकार से है, तब हमें दूरी सूत्र का उपयोग करना पड़ता है। और दूरी सूत्र हम इस प्रकार से लिखते हैं, देखिए साथियों, दूरी सूत्र जो है अपना वो पी क्यू है ना, अंडर द रूट आपके जो, देखिए पाइथागोरस प्रमेय के ऊपर आधारित है, ये आपका समकोण त्रिभुज बन गया है, ये इसका लंब मान लेते हैं, इसको आधार मान लेते हैं, ये कर्ण हो जाता है। और कर्ण में क्या होता है, पी क्यू का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसी प्रकार इसमें भी है पी क्यू आपका कर्ण हो गया, तो हम यहाँ पे लिखते हैं ये लंब यानी एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, ठीक है ना दोस्तों। अपने पास ये हो गया और इसको बहुत सारे लोग इस प्रकार से भी लिखते हैं, दूरी सूत्र ये हो गया और इस प्रकार से भी लिखते हैं पी क्यू का होल का स्क्वायर बराबर एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, बहुत सारे इस रूप में भी लिखते हैं। क्योंकि इसमें अगर हम आगे पढ़ेंगे कि सम दूरस्थ यानी एक बिंदु से समान दूरी पर दो बिंदु स्थित होते हैं, तब इस प्रकार के सूत्र को हम काम लेते हैं, बाकी दूरी सूत्र हम इसी रूप में लिखते हैं, ठीक है ना सर। अवली पर चलते हैं। हाँ तो साथियों, हम बात करते हैं सवाल नंबर 7 जिसमें कहा है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु आपका 2 - 2 - 2 - 1 और 5 और 2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष। देखिए साथियों, इसमें हमें क्या करना है, इस प्रकार के सवाल आते हैं उसमें हमें सीधा सीधा दूरी सूत्र ज्ञात करना, दूरी सूत्र के द्वारा इसको हल करना होता है। और दूरी सूत्र में हमें ये सिद्ध करना होता है कि एक समकोण त्रिभुज होता है उसका कर्ण का जो वर्ग होता है वो बाकी शेष भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। उसी प्रकार से इसमें हमें सिद्ध करना है, हमें 3 बिंदु दे रखे, त्रिभुज जैसे मैंने बना रखा है और यहाँ आपका बिंदु A है और ये B है और ये C है, इसको हम एक्स वन मान रहे हैं। जैसे हम ज्ञात करते हैं दूरी सूत्र के द्वारा, जैसे दूरी सूत्र, ठीक है ना दोस्तों, बराबर अंडर द रूट आपका एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, ये है आपका। अब इसमें ये आपका ए बी, यहां पे ए बी है आपका, हम यहां ए बी लिखते हैं अंडर द रूट एक्स टू, यानी कि आपका यहां एक्स वन इसको मानना है, वाई वन इसको मानना है, एक्स टू इसको मानना है और वाई टू इसको मानना है, क्योंकि ये पहला है पहला जाएगा, ये दूसरा है ये सब दूसरे पे दूसरे बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे। अब एक्स टू यानी माइनस दो, ठीक है दोस्तों, माइनस ये सूत्र का x1 यानी 2 का होल स्क्वायर प्लस आपका ये है आपके पास y2 यानी 1 माइनस ये सूत्र का और माइनस 2, ये माइनस 2, ठीक है ना, माइनस 2 लगा हुआ इसलिए होल स्क्वायर हो जाएगा अपना यहाँ पे, ठीक है। अपने पास अंडर द रूट
अब ये आपके पास हो गया माइनस दो माइनस दो माइनस के चार का होल स्क्वायर प्लस आपके पास एक प्लस माइनस और माइनस गुणा के प्लस के हो जाएंगे दो का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अपने पास ये हो गया बराबर चार का वर्ग करते हैं, चूंकि यहां पे माइनस है माइनस का वर्ग करेंगे हमेशा ही प्लस आता है, चार का वर्ग करेंगे तो आपके पास सोलह और दो एक तीन, तीन का वर्ग करते हैं अपन तो अपने पास आ गया नौ और ये बराबर अपने पास हो गया अंडर द रूट पच्चीस। ठीक है दोस्तों, और इसको मैं इस प्रकार से लिख देता हूं क्योंकि पी क्यू स्क्वायर ये इधर वर्ग लगा है अपने पास इधर हो जाएगा बराबर 25, क्योंकि ये आपका पाइथागोरस प्रमेय में मैंने पहले भी बताया इसमें कि इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, इस रूप में भी लिख सकते हैं, इसको एक नंबर दे देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अपने पास हम दूसरी भुजा याद करते हैं एसी। ठीक है, एसी का स्क्वायर या एसी बराबर अंडर द रूट आपका एक्स टू, एक्स टू यानी आपका पांच माइनस एक्स वन दो का होल स्क्वायर प्लस वाई टू, वाई टू यानी दो माइनस सूत्र का माइनस माइनस फिर माइनस आएगा आपका ये हम इसको होल स्क्वायर कर देते हैं बराबर अंडर द रूट ये आपका हो गया पांच में से तीन घटाने हैं, पांच में सॉरी दो घटाने हैं अपने पास तीन का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस दो माइनस माइनस प्लस होके दो का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर अंडर द रूट तीन का स्क्वायर आपके पास तीन का स्क्वायर प्लस चार का स्क्वायर बराबर अंडर द रूट ये आपके पास नौ हो गए, तीन का वर्ग जो होता है नौ और चार का वर्ग होता है आपके पास सोलह बराबर पच्चीस। ठीक है दोस्तों, और एसी अंडर द रूट 25 और एसी स्क्वायर बराबर आपके पास हो जाएगा दोस्तों आपके पास 25, ये समीकरण नंबर दो हो गई। ठीक है, अब आपको याद करनी है बीसी, आपके पास एसी हो गया बीसी हो गया सॉरी एबी हो गया, अब हम याद करते हैं बीसी, बीसी बराबर अंडर द रूट। ठीक है दोस्तों, सूत्र यही लगेगा अपना, बीसी पहले लिया है तो आपका पांच माइनस पांच माइनस माइनस दो का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, प्लस आपका दो माइनस एक, दो माइनस एक का होल स्क्वायर बराबर आपके पास अंडर द रूट ये आपके पास पांच माइनस माइनस प्लस हो गया दो का होल स्क्वायर हो गया, दो में से एक एक का होल स्क्वायर हो गया आपके पास अंडर द रूट आपके पास देखिए पांच दो सात का होल स्क्वायर प्लस एक का होल स्क्वायर बराबर अंडर द रूट आपका उनपचास प्लस एक, एक का वर्ग एक होता है सात का वर्ग उनपचास होता है अंडर द रूट आपका पचास हो गया और इसको हम इस प्रकार से भी लिखते हैं बीसी बराबर पचास, ये आपकी समीकरण हो गई। ठीक है दोस्तों, अब इसको आप क्या करेंगे, अभी मैं इसमें से एक चीज को मिटा देता हूं यहां इधर से, ये पहला तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब हमें ये सिद्ध करना है ये समकोण के शेष है तो मैं यहाँ पे लिखता हूं, देखिए आप पाइथागोरस प्रमेय से हम लिख सकते हैं बीसी का स्क्वायर बराबर एबी का स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, बीसी आपके पास जो आया है तो वो आपका 50, बीसी स्क्वायर बराबर 50 आया बराबर आपका एसी 25 आया और ए बी भी पहले मैंने बताया वो भी 25 आया बराबर 50 50 25 और 25 50 हो गए, इस प्रकार दोनों ही पक्ष आपके क्या हो गए बराबर हो गए, इस तरह सिद्ध होता है ये जो शीर्ष है एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। हाँ तो साथियों, अपना सब अगला सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1 माइनस 2 3 0 1 2 और माइनस 1 0 1 वर्ग के शीर्ष है। पहले हमने त्रिभुज क्या किया, त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात किए, अब हम वर्ग के बारे में बात करते हैं, वर्ग की हमें प्रॉपर्टी के बारे में हमें मालूम होना चाहिए कि प्रॉपर्टी क्या होती है कि वर्ग की सारी भुजाएं क्या होती है समान होती है, समचतुर्भुज की होती है, इसलिए वर्ग का हम ज्ञात करने के लिए हम पहले वर्ग की चारों भुजाएं ज्ञात करेंगे, उसके बाद हम क्या करते हैं
उसके विकर्ण ज्ञात करते हैं। विकर्ण भी अगर बराबर आ जाएंगे हम कहेंगे ये कि वर्ग है। हम बात करते हैं अब दीदी जी से, ये एक मैंने चतुर्भुज बना लिया है ए बी सी डी, ठीक है दोस्तों। अब इसके एक और बी, ए बी ज्ञात करते हैं, एक माइनस दो और तीन जीरो और एक दो और आपका माइनस एक जीरो, ठीक है। हम पहले ज्ञात कर लेते हैं ए बी, ए बी बराबर अंडर द रूट एक्स टू, आपका दूसरी सूत्र क्या है मैं के लिए एक बार वापस लिख देता हूं, बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगा, एक्स टू प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। अब हम इसमें लिखते हैं एक्स टू, इसमें ये पहला बिंदु ए है इसलिए एक्स वन वाई वन, ये एक्स टू वाई टू हो जाएगा। अब एक्स टू यानी कि तीन माइनस एक्स वन एक का होल स्क्वायर प्लस आपका वाई टू, वाई टू क्या है जीरो, ठीक है दोस्तों, माइनस ये सूत्र का, फिर माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, ठीक है आपका इधर हो गया। इसको आगे बढ़ते हैं, अब आपके पास तीन में से एक हटाएंगे तो दो का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आपके पास इधर देखिए जीरो माइनस माइनस दो, माइनस माइनस गुणा हो गए, जीरो प्लस दो का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर अपने पास क्या हो गया ये दो का होल स्क्वायर यानी चार हो गया आपके पास, और ये भी आपके पास जीरो में दो जोड़ते हैं तो दो ही आते हैं, तो बराबर आपके पास क्या हो गया चार प्लस चार, बराबर इसको हम लिखते हैं अंडर द रूट आठ, और इसको लिखते हैं इसको और लिखना है तो दो रूट दो, क्योंकि दो इंटू दो आठ को क्या लिखते हैं दो इंटू दो लिखते हैं, तो आपके पास इस प्रकार से आ गया, इसको हम एक नाम दे देते हैं। उसके बाद एक ही साथ ही अपने पास क्या करना है बी सी ज्ञात करनी, बी सी बराबर अंडर द रूट बी सी यानी कि एक्स टू, यहाँ एक्स टू ये हो जाएगा एक माइनस तीन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू आपका दो हो जाएगा, दो माइनस वाई वन यानी जीरो का होल स्क्वायर बराबर आपका ये हो गया, इसमें से एक में से माइनस तीन घटाने तो माइनस दो का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये दो का स्क्वायर हो जाएगा। अब चूंकि यहां पर माइनस दो है, माइनस दो यानी माइनस की घात अगर सम संख्या है हमेशा प्लस में आता है, इसलिए दो का वर्ग दो हो गया और दो का वर्ग दो हो गया, अपने पास बराबर क्या हो गया ये अंडर द रूट आठ हो गया, और इसको हम दो रूट दो लिख सकते हैं, ये समीकरण नंबर दो हो गई। हम ये वर्ग की भुजा ज्ञात कर रहे हैं। अब हम ज्ञात करते हैं सी डी, ठीक है ना दोस्तों, आपकी सी डी, ठीक है अपना सी डी में हो जाएगा अपने पास एक्स टू यानी माइनस वन माइनस वन एक्स वन आपका प्लस वाई टू, वाई टू का मतलब जीरो माइनस वाई वन का होल स्क्वायर बराबर आपको क्या करना है माइनस दो का होल स्क्वायर प्लस माइनस दो का होल स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं इसमें देखिए साथियों, आपका माइनस में है लेकिन घात सम संख्या है इसलिए आंसर आपका क्या आएगा समय दो का वर्ग दो और दो का वर्ग भी दो, बराबर आपके पास क्या हो गया अंडर रूट आठ, और बराबर हम लिखते हैं इसको दो अंडर रूट दो, ये समीकरण नंबर आपकी तीन हो गई, ठीक है दोस्तों। अब हम याद करते हैं डी ए, क्या याद करेंगे डी ए बराबर अंडर द रूट आपका वन माइनस फिर माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, प्लस आपका वाई टू, वाई टू यानी माइनस दो माइनस जीरो, वाई वन आपका जीरो है यहां पे इसलिए जीरो लिख दिया। अब अपने पास क्या करना है इसको दूरी सूत्र ही लग रहा है सब में हम दूरी सूत्र का ही उपयोग कर रहे हैं, दूरी सूत्र यहां लिखा है आपका, यहां हो जाएगा वन माइनस माइनस गुणा के प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस दो का होल स्क्वायर बराबर अंडर द रूट दो का होल स्क्वायर प्लस माइनस दो का होल स्क्वायर, ठीक है अंडर द रूट आपका चार हो जाएगा प्लस चार हो जाएगा बराबर अंडर द रूट आठ हो गया, चार चार जुड़ गया और इसको हम लिखते हैं दो अंडर रूट दो, ठीक है दोस्तों, बराबर अपने पास ये समीकरण नंबर चार हो गए। अब देखिए अपने पास समीकरण हम एक दो तीन चार से, समीकरण नंबर एक दो तीन व चार से
हम क्या लिखते हैं, देखिए ए बी बी सी सी डी और डी ए बराबर आपके पास क्या है, दो रूट दो, दो रूट दो, दो रूट दो और दो रूट दो, चारों भुजाएं इसकी बराबर है, लेकिन चार भुजाएं सम चतुर्भुज के अंदर भी बराबर होती है, लेकिन हमें इसमें यह बताना है कि ये वर्ग है। वर्ग के लिए हमें क्या करना है, इनके दो जो वर्ग में जो आपके विकर्ण होते हैं ये आपस में बराबर होते हैं। हम अगर ये सिद्ध कर दें कि इसके विकर्ण आपस में बराबर है, ए बी आपका विकर्ण जैसे एसी ज्ञात करना, ठीक है दोस्त, एसी तो अंडर द रूट हो जाएगा अपने पास वन यानी एक्स टू माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू टू माइनस माइनस टू का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर अपने पास अंडर द रूट ये हो गया अपने पास इधर जीरो का होल स्क्वायर हो गया प्लस आपके पास दो माइनस माइनस गुणा के प्लस दो का होल स्क्वायर, ठीक है, आपके पास आगे हो गया जीरो प्लस ये आपके पास चार का होल स्क्वायर, ठीक है, अंडर द रूट आपका सोलह हो गया और इसको हम बाहर निकालें तो आपके पास ये चार आ जाता है, चार इकाई जो भी है आपकी वो आ जाएगी। इसके बाद हमें बी डी ज्ञात करना है, क्या याद करना है साथियों, बी डी, बी डी में अपना एक्स टू, एक्स टू आपका माइनस एक है माइनस माइनस तीन का होल स्क्वायर प्लस आपका वाई टू, वाई टू दोनों जगह देखिए आपके पास जीरो माइनस जीरो का होल स्क्वायर बराबर अंडर द रूट आपके पास माइनस चार का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, और बराबर अपने पास क्या हो जाएगा ये आपका अंडर द रूट सोलह। और इसके बाद आप देखते हैं तो बी डी आपका जो है बाहर चार इकाई आ गया, ठीक है, और आपका ए सी बराबर बी डी बराबर चार आ रहा है, इसका मतलब ये जो शीर्ष है आपके वो एक वर्ग के शीर्ष है। दोस्तों अपना नवा सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए माइनस ए माइनस ए माइनस रूट तीन ए रूट तीन ए समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। देखिए समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। अगर हम दूरी सूत्र के उपयोग करके यहाँ पे तीनों भुजाओं को बराबर सिद्ध करेंगे तो अपने पास सवाल हल हो जाएगा बड़ी आसानी से। ये सूत्र मैंने लिखा हुआ है, यहाँ आपका जो है एक्स टू यानी ए आपका ये एक्स टू माइनस ए या एक्स टू माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई टू, वाई टू का मतलब ये आपका माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है ना, अब कोष्टक में माइनस ए जुड़ गया माइनस टू ए का होल स्क्वायर हो गया और ये भी माइनस टू ए हो गया माइनस माइनस जुड़ गया टू ए हो गया अपने पास अंडर द रूट, अब इनकी घात सम है इसलिए माइनस प्लस में बदल जाएगा तो ये चार ए स्क्वायर हो जाएगा और इधर भी चार ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, बराबर अपने पास अंडर द रूट अपना जो ये चार ए चार ए जुड़ गया आठ ए स्क्वायर हो गया। अब इसमें से हम बाहर ले लेते हैं, बाहर अपने पास ए स्क्वायर में से ए आएगा और आठ का जो है दो इंटू दो होता है तो अंदर टू ले जाएगा, ये आपका ए बी बराबर आ गया, ये आपकी एक नंबर हो गई समीकरण। अब हम बात करते हैं बी सी की, बात कर रहे हैं बी सी बराबर अंडर द रूट आपका बी सी है, ये आपका माइनस अंडर द रूट तीन ए माइनस सूत्र का माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, प्लस इसी के अंदर आपका रूट तीन ए माइनस माइनस ए का होल स्क्वायर, ये हो गया आपके पास बराबर आपके पास देखिए यहाँ पर कोष्टक में आपका माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा माइनस रूट तीन ए प्लस ए का होल स्क्वायर कोष्टक में आप आपका इधर रूट तीन ए माइनस और माइनस प्लस का ए का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका। अब हम इसको आगे
हल कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको हल करते हैं। देखिए अपने पास एक सूत्र है, आपके पास a प्लस बी का प्लस माइनस का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, उसके अनुसार हम इसको हल करते हैं। तो आपके पास देखिए ये हो जाएगा आपका तीन ए स्क्वायर, यानी कि ए का स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर ये ए है। यहाँ चूँकि प्लस ये माइनस आ रहा है, माइनस ले जाएगा। अपने पास टू, ये सूत्र का टू इंटू ए, यानी रूट तीन ए इंटू ए प्लस ए स्क्वायर। इसी प्रकार आपका इधर, इसी प्रकार ये हो जाएगा तीन ए स्क्वायर प्लस टू इंटू रूट तीन ए इंटू ए प्लस ए स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, आपका ये वाला भाग ये वाले भाग से कट जाएगा और आपके पास बच गया इधर देखिए तीन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस तीन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, आपका कुल हो गया ये तीन एक चार सात एक आठ, आठ ए स्क्वायर बराबर, इसको हम लिखते हैं टू ए बार आ जाएगा, दो बार आ जाएगा अंडर रूट टू। ये आपकी समीकरण नंबर दो हो गई। अब हम बात कर रहे हैं तीसरी, बी सी की बात करते हैं, ए सी सी ए। ठीक है दोस्तों, सी ए बराबर आपके पास हो जाएगा माइनस सी ए, यानी कि ये एक्स टू हो जाएगा, तो ए माइनस माइनस रूट तीन ए का होल स्क्वायर प्लस आपका ए माइनस रूट तीन ए का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, बराबर अपने पास हो गया अंडर द रूट, ये आपके पास माइनस माइनस गुणा के प्लस हो गया ए प्लस रूट तीन ए का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस रूट तीन ए का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब अपने पास देखिए इसका वापस यही सूत्र जो मैंने यहाँ लिखा हुआ, देखिए ये वाला सूत्र यहाँ पे भी लग रहा है, यहाँ पे भी लग रहा है। हम इसको इस प्रकार से लिख देते हैं, तो ये लिखता है ए स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू रूट तीन ए प्लस तीन ए स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, प्लस रूट के अंदर ही है ये ए स्क्वायर माइनस टू इंटू ए इंटू रूट तीन ए प्लस तीन ए स्क्वायर। अब इसी प्रकार से ये देखिए, ये पूरी संख्या है, ये पूरी संख्या बराबर है, ये प्लस ये माइनस, तो कट गया पूरा पूरा। अपने पास अंडर द रूट बच गया, देखिए ए स्क्वायर प्लस तीन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस तीन ए स्क्वायर, इनको हम जोड़ते हैं तो आठ ए स्क्वायर, एक चार पाँच तीन आठ ए स्क्वायर, और इसको हम लिखते हैं टू ए अंडर रूट टू। ये आपकी समीकरण नंबर तीन हो गई। अब हम बात करते हैं समीकरण नंबर एक दो तीन की, हम बात करते हैं। तो आपके पास देखिए साथियों, समीकरण नंबर एक दो व तीन से हम यह लिखते हैं ए बी बी सी और सी ए, तीनों मान अपने पास टू ए रूट टू आ रहा है, टू ए रूट टू, टू ए रूट टू, इसका मतलब ये एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है दोस्तों, हाँ तो साथियों अपना जी सवाल है दसवां कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु एक एक माइनस दो सात और तीन माइनस तीन सरेख है। सरेख हम क्या करते हैं, तीनों बिंदु की दूरी ज्ञात कर लेते हैं। जैसे पहले हम याद करते हैं ए बी बराबर अंडर द रूट आपका एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अपने पास क्या करना है, इसको एक्स टू यानी माइनस दो माइनस माइनस एक का होल स्क्वायर प्लस वाई टू यानी सात माइनस एक का होल स्क्वायर। ठीक है, अंडर द रूट माइनस तीन दो और एक माइनस तीन का होल स्क्वायर हो गया प्लस ये छः का होल स्क्वायर हो गया। अब अपने पास हो गया अंडर द रूट तीन का स्क्वायर क्या होता है, माइनस
है लेकिन घात सम संख्या है इसलिए प्लस में जाएगा। तीन का वर्ग जो होता है अपना 9 और इसका होगा 6 का वर्ग 36। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम जोड़ लेते हैं तो बराबर अंडर द रूट 45। और इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 3 × 3 × 5 टुकड़े हुए इसके, तो यहाँ पे अपने पास 3√5 आ गया, 3 अपना बाहर आ गया उभयनिष्ठ, और अपने पास हो गया ए बी का मान, इसको हम ए का नाम दे देते हैं। दूसरा हम याद करते हैं बी सी, ठीक है ना दोस्त, बी सी अपने पास है बी और सी, तो सी 3 − −2 का होल स्क्वायर प्लस अपने पास y2 का मतलब −3, फिर −7 का होल स्क्वायर, ठीक है बराबर अंडर दी रूट आपका 3 − −2 का होल स्क्वायर, और ये अपने पास −10 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अपने पास इसको लिखते हैं बी सी बराबर अंडर दी रूट, ये आपका 3 × 2 = 5 का होल स्क्वायर हो गया, −10 का होल स्क्वायर हो गया। ये अपने पास अंडर दी रूट 25, 5 का वर्ग 25 होता है और 10 का वर्ग आपका 100 होता है, घात सम संख्या है इसलिए माइनस भी प्लस में बदल जाएगा, और अपने पास हो गया 125। इसको मैं इस प्रकार से लिखता हूँ 5 × 5 × 5 बराबर अपने पास हो गया 5√5, ये जोड़ा है इसमें से एक बार आ गया, आपकी दूसरी समीकरण बन गई। ठीक है, अब हम याद करते हैं सी ए, अंडर द रूट सी ए याद करना है तो आपका 1 − −3 का होल स्क्वायर हो गया, फिर अपना 1 − −3 है ये का होल स्क्वायर हो जाएगा अपना, बराबर अंडर द रूट आपके पास हो गया ये 1 में से 3 गया तो 2 − −2 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस आपका −−1 है, −−, ओके प्लस हो गया 3 हो गया। ठीक है दोस्तों, अपने पास अंडर द रूट आपके पास ये आपके पास 4 हो गया, ठीक है ना, प्लस आपका 3 × 4 का होल स्क्वायर, ठीक है ये आपके पास 4 है, ये 16 है, और बराबर अंडर द रूट आपका 20 हो गया। ठीक है, हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं अंडर द रूट 20 को 2 × 2 × 5 यानी कि इसमें से 2 बाहर जाएगा अपने पास अंडर द रूट में से, और आपके पास 5 अंदर शेष बच गया, 2√5 हो गया। अब देखने की देखिए आपके पास ए बी का मान आपका 3√5, बी सी का मान आपके पास 5√5, हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं बी सी बराबर आपका बी सी लिखा मैंने, और फिर इसको लिखा हमने ए बी प्लस सी ए, बी सी आपका कितना है आपका 5√5। ठीक है दोस्तों, बराबर अपने पास अब आपका ए बी है 3√5 प्लस सी ए आपका 2√5, ठीक है ना, अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, इधर आपके पास क्या है 5√5 और 3 × 2 = 5√5 यानी दो भुजा का योग तीसरी के बराबर है, इसका मतलब ये बिंदु जो है सरेख है, एक ही शीत में है, न कि किसी त्रिभुज के शीर्ष है। हाँ तो साथियों, अगर आपको हमारा ये नॉलेज अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें, शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।